नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो मैं लगातार इस विषय पे, जो सुशांत का विषय है, उस पर रिसर्च कर रहा हूँ और कई सारे इंटरव्यूज और कई सारे जो फैक्ट्स मिल रहे हैं उसको पढ़ रहा हूँ और उससे संबंधित चीज़ें वीडियो में बना करके आपके सामने रख रहा हूँ। तो आज फिर एक कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं रखना चाहता हूं, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे रोज़ाना सिर्फ एक वीडियो आएगा सुबह सुबह 11 बजे के आसपास, और उसमें केवल कुछ पॉइंट्स और फैक्ट्स रहेगा, बाकी कोई और कुछ नहीं आएगा इस चैनल पर। तो आपको अगर लगता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हम शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है उसके बारे में मैं बात करता हूँ कि सुशांत का जिस दिन निधन हुआ था और जब वो उनकी बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया था, उनके पार्थिव शरीर को जहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति मौजूद था जो अस्पताल में भी था, बाद में वो शमशान घाट भी गया था और बाद में उसने एक चैनल पर इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में इसने बहुत सारी ऐसी बातें कही थी जो शक बढ़ाता है और बड़े बड़े खुलासे करता है, बड़े बड़े इसमें पॉइंट्स थे। उस व्यक्ति का ये कहना था कि उस वक्त कोरोना का काल चल रहा था, कोरोना पीरियड था, और किसी बड़े आदमी का डेथ हुआ था तो वो उनका फैंस था, सुशांत सिंह राजपूत का वो फैन था, और वो कहा कि मैं हॉस्पिटल के अंदर पूरे समय मौजूद रहा, उसके बाद जब पोस्टमार्टम होने लगा तो मुझे भगा दिया गया, लेकिन बाद में उसका ये कहना है कि वो पहुंच गया शमशान घाट पे। ये सारी बातें उसने एक चैनल को इंटरव्यू में कहा है, तो मैं उसके आधार पर, उस चैनल के इंटरव्यू के आधार पर ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। उसका ये कहना है कि जब उसने अंदर हॉस्पिटल में डेड बॉडी देखा था, पार्थिव शरीर जब देखा था सुशांत का, तो उसने देखा कि जो भी कहा कि जो भी व्यक्ति फांसी लगाता है तो उसकी जीभ बाहर आ जाती है, लेकिन जीभ बाहर नहीं आया हुआ था, बॉडी पीली नहीं पड़ेगी, टांग नहीं टूटेगी। उसका कहना है कि टांग भी टूटी हुई थी, बॉडी भी पीली पड़ा हुआ था। तो ये सारे बातें उसने उस चैनल को इंटरव्यू में कहा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये दर्शा रहा है कि ये बहुत बड़ी साजिश थी। और रात को 11:30 बजे पोस्टमार्टम स्टार्ट हुआ, पोस्टमार्टम के वक्त उसे भगा दिया गया। उसका ये भी कहना है कि सुबह लगभग 8 और 9 के बीच में रिया चक्रवर्ती अस्पताल में आई थी, वहाँ पे बहुत लोग थे, मीडिया थी, बहुत भीड़ भाड़ था। उसका ये कहना है कि मैं भी उस बीच में घुस गया, मैं पब्लिक सेवा में था तो मैंने किसी तरीके से अंदर घुस गया, और अंदर उसका ये कहना है कि मैंने हाथ लगा करके भी देखा वहाँ पे सुशांत को, उसने टच भी किया। रिया थी वहाँ पे, रिया करीब 25 मिनट वहाँ पे खड़ी रही पार्थिव शरीर के पास, और उसने इतना ही कहा, सॉरी सॉरी कह करके वो वहाँ पे खड़ी रही 25 मिनट। और कुछ लोग आए, दो लोग आए और उसने मुझे भगा दिया, उस व्यक्ति का ये कहना है। फिर ये भी कहना है कि डॉक्टर धीरे धीरे आपस में बात कर रहे थे कि ये तो मर्डर है। जबकि एक पॉइंट और सोचना पड़ेगा कि वो जो व्यक्ति जिसने इंटरव्यू दिया है वो न तो अस्पताल का कर्मचारी है, न तो वो एम्बुलेंस कर्मचारी है, न उसका कोई लेना देना है इस पूरे केस से, वो सिर्फ एक सुशांत का फैन था। और उसका ये कहना है कि मैं अंदर घुस गया और अंदर घुसने के बाद बॉडी को भी टच किया, वहाँ देखा भी, रिया ने जो बोला वो भी सुना और बहुत सारी चीज़ें उसने बोला है। तो पत्रकार ने भी पूछा कि भाई तुम
अंदर कैसे चले गए, वहाँ तो पुलिस का जमावड़ा है, मीडिया को भी जाने नहीं दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है, फिर भी तुम अंदर चले गए, और जबकि तुम न एम्बुलेंस के आदमी हो, न हॉस्पिटल के आदमी हो, न किसी प्रकार के सरकारी कर्मचारी हो। लेकिन उसका जो बयान था वो मैं बता रहा हूँ कि उसने ये कहा कि जब पोस्टमार्टम वहाँ जो अंदर पार्थिव शरीर रखा हुआ था, तो उसके बाद अगले दिन पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के बाद शमशान घाट ले जाया गया था। उसके पहले उसका ये कहना है कि मैंने बॉडी में देखा था 15-20 के करीब सुई के निशान जैसा कुछ था, और तलवे में निशान थे, गले में निशान बनाया गया था, ऐसा लग रहा था कि वो बनाया गया है। शमशान में दोबारा फिर गया जब वो व्यक्ति, उसने कहा, उसका कहना है कि मैं शमशान भी गया, वहाँ भी देखा, वहाँ भी निशान पड़ा हुआ था, पैर की हड्डी टूटी हुई थी, और जो बातें मैंने देखी थी हॉस्पिटल में वही सेम यहाँ पे देखा। बार बार उसका ये कहना है कि जो व्यक्ति फांसी अगर लगाएगा तो उसका पैर की हड्डी कैसे टूटेगा। पूरा बॉडी चेक किया लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि सुशांत ने फांसी लगाई है। उसका ये कहना है कि नज़दीक से देखने में ये प्रतीत होता था कि पैरों में चोट है और कहीं ना कहीं टॉर्चर किया गया है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है, जो कि पार्थिव शरीर को देखने के बाद साफ पता चल रहा था। यहाँ तक कि पत्रकार ने उससे ये भी पूछा कि इतनी सारी बातें तुम जो बोल रहे हो और तुम ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि तुम खुद डॉक्टर हो और डॉक्टर को जो शक करना चाहिए वो सारी बातें तुम कर रहे हो, जबकि पोस्टमार्टम में सारा बॉडी को अच्छे तरीके से चेक किया जाता है, एक एक पॉइंट्स देखा जाता है, और इसमें ये देखा जाता है कि कहाँ पे क्या क्या घटना हुई है, चाहे वो गले का मामला हो, चाहे वो पैर का मामला हो, क्योंकि पोस्टमार्टम इसीलिए होता है। लेकिन जिस प्रकार के बयान उस व्यक्ति के हैं तो ये कहीं ना कहीं शक गहराता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसके बाद जो सबूत सोशल मीडिया पे जो चल रहे हैं लगातार, उससे भी ये साफ पता चलता है कि गलत तो हुआ है, कुछ ज़्यादा गलत हुआ है, और कब तक इंसाफ की लड़ाई और कब तक फैसला आएगा ये तो अब जांच एजेंसी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कुछ गलत ज़रूर हुआ है।